ऑल राइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय। एंड फाइनली जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आई नो आई टुक लॉट ऑफ टाइम टू डू इट बिकॉज आई वॉज डिसाइडिंग कि मैं कौन सा स्पेस लूँ, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज कि आई शुड मेक इन अ बालकनी और इनसाइड। तो इनिशियली मैं इनसाइड के लिए सोच रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं बाहर, बाहर इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा था बिकॉज अगर मैं आपको अभी दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अब लगा दिया है ग्रीन कवर, जिससे कि ज़्यादा तेज़ यहाँ पर सनलाइट नहीं आएगी, नॉर्मल सी आएगी। तो ये मैंने पूरा कवर कर दिया है, तो ये एक इशू था जो मैंने अभी सॉर्ट आउट कर दिया है। और अब फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये फेंसिंग थी इसको हम आज अनबॉक्स करेंगे, इसका ये मोटर है इसको अनबॉक्स करेंगे, और ये है हमारा जो मेन पुल इसको अनबॉक्स करेंगे। और इस एरिया में जो है ये देखिए, जो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा दूसरा मिनी पॉन्ड है इसके बगल में हम यहाँ पे बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये मेरा जैसे कि अंदर एक्वेरियम कॉर्नर है, ये हमारा हो जाएगा मिनी पॉन्ड कॉर्नर। तो बेसिकली यहाँ पर करने वाला हूँ, और चलो फाइनली वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एक और अपडेट देना था आप लोग, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ओवर क्राउडेड हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टाइम टू टाइम शिफ्ट करता रहता हूँ, तो मैंने अपनी काफ़ी कोई फिशेज हैं जो कोई काप्स उनको पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। अनफॉर्चुनेटली सॉरी, वो अनप्लान था और मैं देखे आके बाद में रियलाइज़ किया कि मैं वीडियो में दिखा सकता, तो आई एम नाउ केफ्ट ओनली माई फेवरेट वन, एज इन सारी फेवरेट थी ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। सो आई हैव केप्ट फ्यू नाउ, एंड नाउ विल सी कि ये टचवुड अच्छे से रहें और अच्छी खासी बड़ी हो जाए। अब इनके पास अच्छा खासा स्पेस है, आप देख सकते हैं। यस, और फाइनली जो ये हमारा जो टर्टल पॉन्ड है, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो इनको अब हम फाइनली शिफ्ट करने वाले हैं दोनों को। तो गाइस, पहले मैं अपने पूल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जो पूल एज इन जो इसको असेंबल भी करना पड़ेगा उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, देन मोटर करेंगे, उसके बाद फेंसिंग। तो गाइस, ये है जो, ये देखिए इस तरीके का पूल दिख रहा है जो आपको इसके कवर में दिख रहा है। ये इसके रॉड्स हैं, ये इसकी गाइड, कनेक्शन मेहनत लगने वाली है बिकॉज, और ये इसका पूल है जो हम पूरा हैवी है, अगेन छोटे रॉड, और ये इसके कुछ। अब हम इसको करते हैं असेंबल, जिसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको दो तीन चाहिए होंगे, मैं बोल रहा था कि मेरे को कजन्स की हेल्प चाहिए, तो दैट्स डेविक, यू कैन से हाय, दैट्स माय कजन, एंड सोहाना, दैट्स यू हैव मेट हर ऑलरेडी। सो इनकी हेल्प से अब ये बड़ी मुश्किल से लगा है, तो आपको दो तीन लोग चाहिए होंगे अगर आपको इसको लगाना है, तो चलिए। एंड बाय द वे, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा है, मैंने सोचा था कि इतने से एरिया में आ जाएगा, आई हैव सम ग्रीनरी हियर, नो भाई देखो आई हैव टू मूव माई ऑल पॉट्स फ्रॉम हियर, ताकि ये पूरा स्पेस ले रहे हैं यहाँ से। चलिए अब इसको हम रखते हैं। Right, you can see how big is this. ये देखिए, मैं टर्टल्स के साथ स्विमिंग कर सकता हूँ इसमें, इतना पानी। ये देखिए लिटरली, बट गाइस बड़ा है ये, लिटरली यहाँ पर स्विमिंग कर सकता हूँ सबके साथ। तो ये तो हो गया, तो आई मीन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन टू डेज बिकॉज एक डे में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अब मैं इसके लिए हम लोग कुछ ग्रेवल्स लेंगे, और ताकि मैं इसमें पूरा ग्रेवल्स बिछा सकूँ, और नाउ यू बोथ कैन गेट लॉस्ट। सो बेसिकली अब मेरा आइडिया ये था कि मेरे को लग रहा था कि इतना बड़ा नहीं होगा, आई थॉट कि दिस विल कम इन दिस स्पेस, क्योंकि ये मैं गेट के सामने नहीं रख सकता, अफकोर्स मेरे घर वाले बाहर पका देंगे, तो आई थॉट कि इतना होगा। तो अब मेरे को इसको पुश करूँगा, इफ़ यू कैन सी दीज स्टोन्स, सो दीज स्टोन्स विल आई कीप देम एज अ बास्किंग एरिया फॉर टर्टल्स, एंड देन यहाँ से
तो मैं पानी में ज़्यादा स्टोन्स नहीं लगाऊंगा, सिर्फ कोने में लगाऊंगा, नीचे पेबल्स रखूंगा ताकि उनको अच्छे से स्विमिंग स्पेस मिले। और इसको मैं अब देखिए ट्राई करता हूँ। अब मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ मोटर को। ये जो एक मैंने फेंसिंग बनाई थी, देखता हूँ उतना पानी, क्योंकि एनीवेज काफ़ी स्पेस चला गया। लेट मी सी, सो एटलीस्ट आई यूज दिस नेट एट दिस पोर्शन ताकि जब वो ऊपर आए तो बाहर ना निकल जाए। सो गाइस, ये फाइनली एक नेट निकला है, बट इसमें मेरा जो ऑर्डर वालों ने मेरा काट लिया, बिकॉज दे सेड इसमें कटर और वो क्लिप्स होने चाहिए थे, मतलब एज इन टू टाई देम, दैट्स नॉट देयर। तो इसको काटने के लिए थोड़ा हमारे पास प्लायर्स और मैं काट तो लूँगा। तो बेसिकली इसको मैं अब काटूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, तो मैं इसको काटूँगा करीब कुछ इस हाइट। आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, उन्होंने नहीं काटा है मेरा, बिकॉज जैसे ही मैं निराश हो रहा था उसमें आशाई की किरणें दिखी। ये देखिए आप अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर उन्होंने कटर और वो दिया हुआ है, तो अब मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो गाइस, अभी आप पीछे देख सकते हैं अच्छा खासा हो गया है, बड़ा है काफ़ी। सो आज अभी देखो अभी रात हो चुकी है, शाम हो गई है, आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हो, तो काफ़ी टाइम लग गया है, बट मैंने कुछ इस तरीके से इसका बना दिया। लेकिन अब थोड़ा एक चीज़ का गम हो रहा है कि आपको उल्टी साइड से दिखाता हूँ। तो ये देखिए अच्छा खासा पूरा उसने एरिया ले लिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा, जब भी अगर मुझे अपना दूसरा वाला मिनी पॉइंट देखना है, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ डिफिकल्ट पार्ट। तो उसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। और ये मैंने कुछ लगा दिया है उसका बास्किंग एरिया के लिए, ताकि यहाँ से निकल ना पाए पर आराम से बैठे रहें। तो ये यहाँ पे देखेंगे। सो गाइस, इट्स अ सेकंड डे, मैं आया हूँ राघवन भाई के पास से। हाय। तो अभी राघवन भाई के यहाँ से मैंने बकेट लिया था, एज इन इनसे इसी ही हेल्प मी टू गेट दिस फिल्टर थिंग डन, जो मैं आपका इसका डिटेल बताऊँगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। बाकी आपको दिखा सकता हूँ कि ये कज़न के हाथ में डेबिट पत्थर, तो ये पूरे वाइट पेबल्स अच्छे खासे लिए हैं, इसके दो बड़े पैकेट लिए। और एनीवेज, वेरी सून वी आर अपडेटिंग न्यू फिशेज कमिंग एट नंदिता एक्वेरियम, ट्यूसडे को आ रहे हैं, तो हम लोग उस हिसाब से उसका भी कवर करके पूरा डालेंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय। गाइस, अब जल्दी से मैं आपको फिल्ट्रेशन ज़्यादा स्पेशल नहीं, बट आपको बता देता हूँ कि मैं अभी कैसा प्लान कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें और अच्छे वाले स्पंज ऐड करूँगा, मिल नहीं रहे थे, तो अभी जो नॉर्मल स्क्रबर्स होते हैं जो, लेकिन ये अच्छे गुड स्पंज होने, तो मैं ये अच्छे खासे नंबर पे लाऊँ आपको बता देता हूँ। ये देखिए अच्छी खास, तो सबसे पहली लेयर मैं बना रहा हूँ उसकी, ये पूरा लेयर लगा दूँगा नीचे ताकि जितना जर्ट आए इसको नीचे अब्जॉर्व करता रहे। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ जो आपको पिछली बार मैंने दिखाया था, ये इसमें जिसमें बायो मीडियाज हैं, सेरेमिक रिंग्स, बायो बॉल्स और एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये इसकी इन स्पंज के बाद इसकी लेयर जाएगी, देन फाइनली आई पुट दिस स्टोन लेयर ताकि पूरा स्पंज नीचे पानी में आराम से बैठा रहे स्टोन की वजह से। एंड आफ्टर दैट, जब वो पूरा यहाँ तक हो जाएगा, देन आई पुट सम मनी प्लांट, जो मेरा ऑलवेज मैं आई वॉन्ट टू गिव दैट टच। सो आई जस्ट रियलाइज कि अगर जब मैं यहाँ रखने के बाद मनी प्लांट इसमें यहाँ से ऐसे लटकते रहेंगे अच्छा लगेगा, प्लस उसके रूट्स हैं वो भी एक नेचुरल फिल्ट्रेशन वाला काम करते हैं। तो गाइस, जो ये नेट में लाया था, अभी मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट लिटिल वरीड कि बिकॉज ऑफ द नेल ऑफ, दो द मटेरियल इज़ गुड, बट देन नेल की वजह से वो ज़्यादा स्क्रैच कर करके फाड़ ना दें, सो आई एम लिटिल वरीड अबाउट दैट। सो अगर वो प्रॉब्लम होगी तो देन आई हैव टू, इसलिए मैं अभी इस फेंसिंग में पूरा इस तरीके से लगा दे रहा हूँ, तो इट विल वर्क इन टू वेज, कि डर्टल बाहर नहीं निकल पाएंगे, प्लस वो ज़्यादा डायरेक्टली इसको स्क्रैच भी नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये मैंने ऐसे फेंसिंग टाइप लगा दी है इसमें, ताकि आराम से ये ज़्यादा स्क्रैच ना मारें और बाहर निकलने का भी डर नहीं रहेगा, ताकि इजीली बने रहें। और आई जस्ट रियलाइज मैं इतने अच्छे खासे स्टोन्स लाया था, बट कम पड़ गए, तो लेटर मैं अब उसको ऐड कर लूँगा और धीरे धीरे ऐड करता रहूँगा। बट बेसिकली वी आर सेट विथ आर थिंग, ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें से आराम से जाके, ये रहा इसका बास्किंग एरिया पूरा, आराम से सनलाइट आती है, आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। मेरा हमारा फिल्ट्रेशन, इसके ऊपर मैं कुछ प्लांट्स भी लगा दूंगा। तो चलिए अब इसमें हम पानी भरते हैं। फाइनली इस मोमेंट का मैं वेट कर रहा था, हमने वाटर अप करना स्टार्ट कर दिया।
तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि पानी का लेवल मैं बस इतना ही रखने वाला हूँ, काफ़ी क्लासिक लग रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में सनलाइट इतनी आती रहेगी और वहाँ पर आएगी, और ये रहा हमारा फिल्टर फाइनली। सो फिल्टर भी चलने लग गया है क्या आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा फिल्टर जिसमें मैंने ये नेचुरल प्लांट्स लगा दिए जो कि रूट्स काम करेंगे एज अ फिल्ट्रेशन, बाकी तो पूरा ये देखते हैं। और ये रहा हमारा बिजली पॉइंट, अब ये हमारा हो चुका है पूरा एक मिनिमम पॉन्ड कॉर्नर। अब इसमें हम डालने वाले हैं हमारे टर्टल्स। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है कि इनको अब मिल रहा है इनका बड़ा घर, एंड लेट्स सी अब इनको हम करते हैं रिलीज। Myself. It's true, pick apart the things I do. Been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith I knew. जैसे कि मैं आपको बता रहा था मैं ये मैट लेके आ गया हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने कर दिया है। तो अब इस एरिया में ये पूरा मैट टाइप हो गया है, एंड दैट्स देयर योर ऑल स्टोन एरिया। मस्त आराम से घूम रहे हैं और वाटरफॉल अच्छा घूम रहा है। ये हमारा हो गया पूरा बालकनी कौन है एज एन कौन कौन है। तो गाइज ये था हमारा टर्टल पॉन्ड पे वीडियो जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली इट्स डन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड गाइज काफ़ी मेहनत लगी है, प्लीज़ डू सपोर्ट एंड ट्राई टू लाइक सपोर्ट दिस वीडियो एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड माई वीडियोज। और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसे ही टर्टल्स, फिश, एक्वेरियम, शॉप टूर और पेट सेंचुरी, एक्जोटिक पेट्स, इनके बारे में मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जो इनफैक्ट अभी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शो सम सपोर्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू मतलब आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग कि अगर आप जल्दी से जल्दी मेरे 10K हिट करा दें अच्छा होगा। बट आई होप दिस वीडियो विल मेक मी टू रीच दैट लेवल, एंड ठीक है जो और बाकी मैं बोलता रहता हूँ कि खुश रहो और दूसरों की हेल्प कर सकते हो जिस तरीके से भी कर सकते हो करते रहो, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, stay healthy.